Hey guys, welcome back to my channel. मैं सपना आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी फॉर हरितालिका का तीज। अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो इस मेकअप लुक को आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए या फिर फेस्टिवल्स के लिए क्रिएट कर सकती हैं। अभी करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ पे भी इस लुक को क्रिएट कर सकती हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक है, बहुत ही ईजी है क्रिएट करना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन है उसको भी कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन। मैं वहां भी सुपर डुपर एक्टिव रहती हूं, तो प्लीज मुझे वहां भी फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मेकअप लुक। मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें अपने स्किन को मेकअप के लिए तैयार करना चाहिए, उसको अच्छे से प्रेप करना चाहिए। तो यहाँ मैं फेशियल ऑयल लेके अपने फेस पे अपने स्किन में थोड़ा सा प्रेस कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं फेस को मॉइस्चराइज करूँगी, तो मेरी स्किन जो ड्राई है तो मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो यहाँ मैंने न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजर लेके देन मॉइस्चराइज कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये प्राइमर ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और जितने भी ओपन पोर्स हो भी मिनिमाइज हो। तो लैक्मे का ये प्राइमर था। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ये ब्राउ किट ले रही हूँ, उसमें से थोड़ा सा वैक्स बचा है उसको पुली में अप्लाई करके देन से कॉम कर लूँगी। दिन डार्क कलर से अपने ब्राउज़ को फिल कर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। तो इस तरह अपने ब्राउज़ को फिल करके दिन पुली से कॉम करके से अच्छे से सेट कर लूँगी। तो दोनों ब्राउज़ यहाँ फिल हो चुकी हैं। दिन मैं कंसीलर स्विच ब्यूटी का कंसीलर लेके अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आज मैं सबसे पहले यहाँ आई मेकअप करने वाली हूँ। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर ले रही हूँ। दिन लूज पाउडर से मैं इसे सेट कर ले रही हूँ। तो मेकअप रेवोल्यूशन के लूज पाउडर है, इस तरह से मैंने सेट कर लिया। लाइट पिंक कलर मैं आई शेडो पिक कर रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है। और उसके बाद अपने क्रीज पे अप्लाई करके दिन उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो बहुत हल्का हल्का कलर लेके अप्लाई करना है, तो इस तरह मैं क्रीज पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क पिंक कलर ले रही हूँ और क्रीज पे ही अप्लाई करके दिन अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो हल्का सा आउटर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, टाइम देके अच्छे से ब्लेंड करना होता है। देन एक ब्रश में मैं ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर पर इस तरह आउटर आईलिड पे इस तरह से प्लेस करूंगी। देन एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, साथ में हल्का सा क्रीज पे भी ब्लेंड करूंगी। देन कंसीलर की हेल्प से एक हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूंगी, तो इस तरह से हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर ले रही हूँ। सेम कंसीलर है स्विच ब्यूटी का। उसके बाद मैं फिंगर से ही इसे ब्लेंड कर लूंगी, देन इस पर ये ग्रीन कलर लेके टॉप अप कर दे रही हूँ। तो एक ब्रश की हेल्प से मैं कर रही थी, वो अच्छे से कलर पिक नहीं हो रहा था, देन मैंने फिंगर की हेल्प से कर दिया है। क्योंकि ये मैट कलर है इसलिए मैंने थोड़ी सी सिमरी कलर, मेहंदी कलर की सिमरी कलर है उसके ऊपर मैं इस तरह टॉप अप कर दे रही हूँ ताकि एक सिमरी लुक आए। ब्रश में ब्लैक कलर पिक करके अपने आउटर भी पे इस तरह से एक बार हल्का सा इसके एजेस को ब्लेंड कर दूंगी ताकि सब कुछ ब्लेंडेड लगे, कोई लाइन से ना दिखे। देन मैं गोल्डन लिक्विड लाइनर ले रही हूँ, इस तरह से अपने क्रीज पे ड्रॉ करूंगी। और उसके बाद मैं कलर बार का स्केच लाइनर लेके एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी। बहुत छोटा विंग आईलाइनर मैंने क्रिएट किया है। देन कर्लर से अपने लेसेस को कर्ल कर लूंगी। देन वेट एंड वाइल्ड के मस्कारा से अपने अपर लेसेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ फेक आई लेसेस। तो फेक आई लेसेस लगाने से आंखें बिल्कुल अलग दिखने लगती, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो यहाँ मैंने फेक आई लेसेस अप्लाई कर लिया। देन वेट वाइप से अपने जितने भी फॉल आउट वगैरह हुए हैं उनको क्लीन कर लूँगी। देन मैंने यहाँ लिया है स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर और अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करके देन एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई लुक आए। देन मैंने ये लिया है कलर करेक्टर जो कि है एलिगल प्रो का ऑरेंज कलर करेक्टर, अप्लाई करके अपने डार्क सर्कल पे अप्लाई करके देन फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। मिलानी का ये फाउंडेशन ले रही हूँ जिसमें मेरा शेड है 04। अब फिंगर के हेल्प से अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करके देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में भिगा के अच्छे से निचोड़ दिया, देन मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, इस तरह मैं डैमिंग मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना प्रेफर करती हूँ। देन सेम कंसीलर को लेके अपने डार्क सर्कल पे अप्लाई किया है, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, माउथ एरिया, फोरहेड पे अप्लाई करके दिस है सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी।
तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से टाइम देके ब्लेंड करना होता है। देन मैंने लूज पाउडर लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का और अपने फेस की बेकिंग कर दी हूँ, और जब तक ये फेस बेक हो रहा है तब तक मैं अप्लाई कर लेती हूँ काजल। तो मैंने यहाँ फेसेस कनाडा का काजल अप्लाई किया, देन एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से हल्का सा ब्लैक कलर लेके इसको काजल को नीचे की तरफ स्मज कर दिया है। देन एक स्मॉल ब्रश में पिंक कलर, डार्क पिंक कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करके देन ब्लेंड कर दिया है। देन लोअर लैसेस पे मस्कारा से कोट कर दिया, तो आई मेकअप यहाँ डन हो गया है। देन जितना भी मैंने बेकिंग किया था उसके एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दिया, देन उसी से अपने पूरे फेस को सेट कर लिया, साथ में नेक को भी कवर कर लिया। देन मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन की मेकअप सेटिंग स्प्रे करके अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर दिया। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के लिए पूरा टैप टैप कर दिया, जितना भी मेकअप है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का फेस पैलेट लिया है, इसमें से कंटूर कलर लेके और अपने फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से अपने फेस की कंटूरिंग करूंगी, तो कंटूरिंग करने से हमारे फेस में एक अच्छा सा डायमेंशन आता है, फेस थोड़ा सा शार्प भी दिखता है, नोज जो स्लिम दिखती है शेप में दिखती है, और डबल चिन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक हाइड होती है। तो इस तरह मैंने फेस की कंटूरिंग कर ली है। देन सेम पैलेट से ये ब्लश लिया है और अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर लूँगी, हल्का सा ब्लश अप्लाई करूँगी, तो ये पिंक ब्लश है। देन हाइलाइटर के लिए वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है। देन अपने फेस के हाई पॉइंट को हाइलाइट करूँगी, चिक बोन्स को, ब्रिज ऑफ द नोज, नोज टिप पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे, फॉरहेड पे, ब्राउ बोन पे, और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इनर आई कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। देन मैंने ये लैक्मे का डार्क पिंक लिप लाइनर लिया, अपने लिप्स की आउटलाइन कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं लिपस्टिक ले रही हूँ रॉक सिग्नेचर, ये लॉरियल रॉक सिग्नेचर की पिंक लिपस्टिक है जिसमें मेरा शेड है 114, और मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर दिया। देन मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना पूरा मेकअप सेट कर लूँगी। तो यहाँ मेरा मेकअप डन होता है, मैं थोड़ी सी ज्वेलरी साड़ी पहन के दिन मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने ज्वेलरी पहन लिया, साड़ी पहन ली है, और बन तो मैंने पहले ही बना रखा था, गजरे बाद में लगाया। तो ये रहा मेरा फिनिश फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा ज़रूर। इस मेकअप लुक को अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो आप बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लग रही हूँ मैं और मेरा भी वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।